नमस्कार। बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। आपसी विवाद में दो पक्ष भिड़े, गोली चली, कई घायल, मामला जमीनी विवाद का। हाल बेहाल है भैलू चक से दाल मिल, सड़क का आधा निर्माण आधा बाकी, चलना भी हुआ दुभर। और भंगी समाज ने कहा, निगम शौचालय की बंदोबस्ती भंगियों के साथ करें। आज भी शौचालय सफाई का मुख्य पेशा भंगियों का ही। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा, सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस एस सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक के सर्राफ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। और अब समाचार विस्तार। आपसी विवाद को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई। एक तरफ से गोली भी चलने की सूचना है। घटना में कई लोग घायल हैं, जिनका आकस्मिक विभाग डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर डीएसपी अनोज कुमार पहुंचे। मामला छिपलिया गांव सदर थाना अंतर्गत का है। मंगलवार की शाम दरभंगा के छिपलिया में दो पक्षों में विवाद हुआ और देखते ही दोखते मामला ने भयानक रूप ले लिया। गोली चल गई, मारपीट शुरू हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिन्हें डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना की खबर सुनकर डीएसपी अनोज कुमार डीएमसीएच पहुंचे और इन लोगों से पूछताछ की, आखिर किस कारण घटना हुई। किसी ने कहा जमीनी विवाद तो किसी ने कहा मोबाइल लेन देन का विवाद। डीएसपी अनोज कुमार ने दोनों पक्षों से इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। प्रभु जादव के बेटा ना अजय गोवार मारा। क्या नाम है? पलिया स्थित है और वहाँ पर ही कुछ बातों को लेकर के विवाद हुआ। उसी में बोला कि गोली चला है, उसी में दोनों में झगड़ा हुआ। एक पक्ष ने उसको मारा और एक पक्ष ने उसको मारा है। भाई जो गोली का मामला है सर, ये क्या है? अभी तो इसमें जांच की बताया कि गोली चली है, लेकिन गोली किसी को लगने की बात नहीं है। दोनों जख्मी जो मार्केट में जख्मी हुए दोनों अस्पताल में हैं। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। हम बात करते हैं दोनार मिल से ब्लॉक जाने वाली सड़क की। जी हाँ, हाल बेहाल है इस सड़क का। यहाँ चलना मुश्किल है, लोगों को आने जाने में काफी कठिनाई है। बरसात के पानी में इस तरह का रूप और सड़क दिखे तो थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन कड़ाके की धूप में भी यही हाल है इस सड़क का। और जब पानी बरसता है तो यह जो घास फूस देख रहे हैं यह भी नहीं दिखता। कहां पैर रखे, कहां से गाड़ी चलाएं, कोई अता पता नहीं। हाल बेहाल है सदर ब्लॉक से लेकर भैलू चक जाने वाली सड़कों का। और इस इलाके के लोग रहने वाले हमेशा दूसरा रास्ता अपनाते हैं। दूर भी है तो क्या करें, कम से कम सुरक्षित तो आते जाते हैं। किससे कहे, लगातार शिकायत होती रही, लेकिन विकास की गाड़ी यहां नहीं पहुंची। पानी पहुंचती है, जल जमाव का, कीचड़, लतपत सड़क। दूसरे इलाके के लोग तो अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन जो इस रास्ते के बीच में जिनका मकान है वे करें तो क्या करें। महीनों की बात नहीं, यह वर्षों से यही हाल है। अब सड़कें बननी शुरू भी हुई तो कछुए की गति से नाला धीरे धीरे बन रहा है। इस बरसात पार कर जाएगा और उसके बाद कई पर्व भी आएंगे, लोग इधर से ही गुजरेंगे। मुहर्रम का अखाड़ा भी इधर से ही निकलेगा और गणेश पूजा की मूर्ति बैठी तो इधर से ही निकलनी है। इस सड़क और यहाँ के निवासियों के लिए न कोई पर्व है न कोई त्योहार, बस बारिश का मौसम, सालों भर यही हाल। पानी के लिए पानी पूरा भरा हुआ, निकलेगा कोई रास्ते काम ही नहीं है। पानी कहीं जाने वाला पानी नहीं है, रोड पर लगा रहता है। क्या परेशानी उठाना पड़ रहा है आपको? बहुत परेशानी है सबको। बच्चा लोग स्कूल नहीं जा रहा, पानी में जाता था गिर जाता है। क्या बहुत दिन से मतलब समस्या ये पानी का भरा रहता है हमेशा, और ये पानी मतलब कभी कोई निकासी नहीं हो रहा है। ठीक है,
इसलिए मतलब बहुत परेशान है, हम सब पानी मिल के जाना पड़ता है, कोचिंग जाना पड़ता है पानी मिल के। सो गया आसमान, सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गई गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया नगर आयुक्त घनश्याम मीना को वार्ड नंबर 40 के व्यापारियों व्यवसायियों ने सम्मानित किया और अपेक्षा किया कि आईएएस पदाधिकारी के रूप में उनका कार्यकाल अच्छा रहेगा और जो जन आकांक्षा का कार्य है उसे वे पूरा करेंगे। वार्ड नंबर 40 के व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने जन आकांक्षा का कार्य पूरा करने की उम्मीद की नए नगर आयुक्त घनश्याम मीना से और एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में कार्यालय में आकर उन्हें सम्मानित किया और कहा कि एक आईएएस पदाधिकारी के आने से लोगों में खुशी है, जन आकांक्षा के कार्य को पूरा करेंगे नए नगर आयुक्त घनश्याम मीना। नगर आयुक्त ने भी आश्वासन दिया कि यथासंभव सरकारी नियम के आलोक में जो कार्य है उसे पूरा किया जाएगा। हम लोग ने जगह चिन्हित कर ली है दरभंगा में, जो भी मुख्य अतिक्रमित क्षेत्र है उनको चिन्हित कर लिया है, प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग ने इसमें काम भी लगा दिया है। उसी क्रम में दोनार चौक में जो अतिक्रमित किया गया था उस पर हम लोग ने अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाते हुए वहाँ से जितने भी टेम्प्रेरी अतिक्रमण था उसको हटा लिया है। और इसी क्रम में अब दूसरी जगह, अब हम लोग जो तालाब शहर के मुख्य तालाब हैं, खास करके जो रेलवे स्टेशन के सामने जो मेन पोखर है, अब उसी को हम नेक्स्ट फेज में ले रहे हैं और आज वहाँ पे माइकिंग का कार्यक्रम चालू हो गया है और कुछ ही दिन में हम वहाँ से जितना भी जो अतिक्रमण किया हो उसको हटा लेंगे। नगर आयुक्त ने कहा कि बाढ़ के बाद अब अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया है। दोनार टिन्ही पुल नाला निर्माण के दरमियान जो अतिक्रमण जगह था उसे खाली कराया गया और अब हराही तालाब अन्य तालाबों का भी अतिक्रमण हटाया जाएगा और जो नागरिक का कार्य है उसका सरकार का कार्य उसे पूरा करने का वे भरसक प्रयास करेंगे। सतेंद्र कुमार, BTN न्यूज। हमको आशा और पूरा विश्वास है कि हमारे आईएएस अफसर आए हैं नगर आयुक्त साहब और दरभंगा जिला का विकास होगा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और दरभंगा जो नगर निगम में जो लूट खसोट की धंधा चल रही है वो बंद हो जाएगी। इसमें भारतीय भंगी विकास मंच ने नगर निगम में शौचालय बंदोबस्ती में मेहतर जाति को प्राथमिकता देने की मांग की है और कहा कि शौचालय की सफाई मुख्यतः इसी जाति के लोग करते हैं और बिचौलिया इसमें बंदोबस्ती लेकर फिर उनका शोषण करते हैं और भंगी समाज से ही वे सफाई करवाते हैं। उन्होंने निविदा को स्थगित कर बोर्ड में नियम लाकर इस शौचालय की बंदोबस्ती आगे से भंगी समाज के लोगों के साथ करने की मांग की और उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में नगर विकास से लेकर उच्च पदाधिकारियों तक भी अपनी मांग को दोहराएं। भंगी समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, साथ ही इनका जो अपना दैनिक कार्य है उस हेतु उचित मजदूरी इन्हें दी जाए।
भारतीय भंगी विकास मंच के तत्वावधान में भंगी समाज की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें एक स्वर से यह मांग उठाया गया कि नगर निगम द्वारा शौचालय बंदोबस्ती का कार्य भंगी समाज को दी जाए, जिससे आम जन को सुविधा उपलब्ध हो सके। तत्काल बंदोबस्ती निविदा को स्थगित कर निगम बोर्ड से स्वीकृति कराते हुए भारतीय भंगी विकास मंच को देने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, यह जानकारी अध्यक्ष जितेंद्र राम ने कही। आज भारतीय भंगी विकास मंच दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के तत्वाधान में प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम दरभंगा नगर निगम दरभंगा को यह कहना चाह रहे हैं कि शौचालय की बंदोबस्ती की जो निविदा निकाली गई है वह इस समाज को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह समाज मुख्य रूप से सफाई कार्य से जुड़े हुए हैं और सफाई का काम जितना हमारा भंगी समाज जानता है दूसरा कोई नहीं जानता। सफाई के काम के बारे में भंगी समाज बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जो भी निविदा शौचालय की निविदा निकाली जाती है अन्य समुदायों में बांट दिया जाता है, जिसके कारण भंगी समाज को उसका जो वाजिब मजदूरी है वह भी उसको नहीं मिल पा रहा है। हमारे भंगी समाज बहुत ही गरीब है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। हम चाहेंगे, नगर निगम प्रशासन से यह मांग करते हैं कि शौचालय की जो बंदोबस्ती है उसको भंगी समुदाय के बीच में दिया जाए और अन्य लोगों को जो दिया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। अगर हमारे भंगी समाज को यह सुविधा नहीं उपलब्ध कराया जाएगा तो भंगी समाज किसी भी तरह का लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्र है। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन एंड रेसिडेंटल स्कूल, रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द सीजन 2019-20 कैरियर ओरिएंटेड नेचर फार्मिंग गाइडलाइंस, अट्रैक्टिव कैंपस विथ हेल्दी इंग्लिश इन्वायरमेंट, क्लासरूम्स विथ स्मार्ट स्क्रीन्स, प्रोजेक्टर्स एंड क्लोज सर्किट कैमराज, स्पेशल क्लासेस ऑफ मॉडल एजुकेशन, स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ फॉरिजन लैंग्वेज संस्कृत उर्दू क्लासेस, कंप्यूटर एंड साइंस लेबोरेटरीज विथ मॉडर्न इक्विपमेंट, हाईटेक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड SMS अलर्ट सिस्टम। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल, खाजासराय, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 7061845006, 9234928396। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। आपसी विवाद में दो पक्ष भिड़े, गोली चली, कई घायल, मामला जमीनी विवाद का। हाल बेहाल है भैलू चक से दाल मिल, सड़क का आधा निर्माण आधा बाकी, चलना भी हुआ दुभर। और भंगी समाज ने कहा, निगम शौचालय की बंदोबस्ती भंगियों के साथ करें, आज भी शौचालय सफाई का मुख्य पेशा भंगियों का ही। कभी बारिश, कभी धूप, कभी कड़ाके की धूप, कभी भीषण बारिश, और इन सब के बीच कहीं पानी तो कहीं धन रोपनी, कहीं खुशी कहीं गम। सुखाड़ हो या बाढ़ हो, तबाही तो होती ही है, बर्बादी तो होती ही है, लेकिन कहीं कहीं यह राहत भी दे जाता है। जहां पानी निकल गया वहां माटी गीली हुई और धन रोपनी प्रारंभ है। जहां धन रोपनी हो गई थी, पानी लग गया, वहां धान के बिचड़े गल गए, वहां किसान परेशान है, लेकिन कहीं खुशी कहीं गम। फिलहाल यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बारिश में भी जो बीज है धान का उसे निकाल कर फिर दूसरी जगह लगाते हुए किसानों की उम्मीद। कहा जाता है कि भारत की कृषि मौसम के साथ एक जुआ है,
वर्तमान में भले ही हम आधुनिक तकनीक में कितना भी आगे बढ़ लें, लेकिन आपदा मौसम उसके साथ लगा रहता है। और आज यह कहावत चरितार्थ है कि भारत की कृषि मौसम के साथ एक जुआ है। जो सफल हो गया वह जीत गया, जो मौसम के साथ नहीं चल सका वो हार गया। बहरहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि इस उम्मीद में भी कि धन रोपनी के बाद दाने आएंगे, बालियां खिलेगी, और इसी उम्मीद पर ये किसान इस बार जुलाई में ही बाढ़ आ गई, इसलिए उम्मीद कि देर से ही सही किसानों की उम्मीद, चूंकि हर खेत में पानी आ गया है, सूखे से जो खेत फट रहे थे, दरारें दिख रही थी, उसमें नमी आई है। अब एक दो बारिश हो जाए तो किसानों की बांछें खिल जाएगी और खेत फिर लहलहा उठेगा। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बालूघाट में भव्य मूर्ति, पंडाल निर्माण में लगे हैं कारीगर, तो दोनार से कोतवाली ओपी तक भी कई जगह जन्माष्टमी की मनाने की होड़ धूम चल रही है। कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी जोर शोर से है। बालूघाट में भव्य मूर्ति एवं पंडाल के निर्माण में लगे हैं कारीगर। कोतवाली ओपी के निकट भी कृष्ण पूजा की तैयारी चल रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई द्वारा सदस्यता अभियान का आयोजन मिथिला विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एबीवीपी परिवार के प्रदेश उपाध्यक्ष। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया मिथिला विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची थी एबीपी बिहार प्रदेश की उपाध्यक्ष सह बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की शिक्षिका डॉक्टर ममता कुमारी। कार्यक्रम तय था, इसलिए आज इसको किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? हमारे जितने भी संगठन के कार्यकर्ता हैं और आप जो उपस्थित हुए, इनके आने से सफल हुआ। सरफराज आलम, BTN न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सर्वे ऑफिस कार्यालय। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया सर्वे ऑफिस कार्यालय परिसर में। उनकी तस्वीर पर चढ़ाए गए श्रद्धा के फूल। मिश्रा अमर रहा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा अमर रहा, डॉक्टर जगन्नाथ। हम अपने महान बिहार विभूति, बिहार और मिथिला के महान सपूत, इस देश की राजनीति के महान योद्धा, ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण विकास, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में बिहार में अमूल्य योगदान करने वाले, देश में अमूल्य योगदान करने वाले बिहार के तीन तीन बार मुख्यमंत्री, अखंड बिहार के तीन तीन बार मुख्यमंत्री पद सुशोभित करने वाले और केंद्र में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री का पद सुशोभित करने वाले हम लोगों के अभिभावक, वर्तमान राजनीति के पितामह डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के निधन पर आज हम उन्हें श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि हम लोगों ने दिया है। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 75वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेसियों ने केक काटे, उनका जन्म दिवस मनाया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 75वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेसियों ने मिलकर काटे केक, मनाया जन्म दिवस। देखिए, आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का 75वां जन्म दिवस है। हम दरभंगा जिला कांग्रेस परिवार की ओर से उनके जन्मदिन मना रहे हैं। निश्चित रूप से राजीव जी जो प्रधानमंत्री के रूप में जो हम लोगों को एक दिशा, पंचायती राज, दूर संचार
और पुनः नौजवान को 21वीं सदी में ले जाने के लिए मतदाता का अधिकार देने का जो काम राजीव गांधी ने किया वो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम था। वहीं दूसरी तरफ रक्तदान शिविर लगाया गया DMCS के ब्लड बैंक में। भारत के प्रथम युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्मदिन के शुभ अवसर पर हर एक साल कांग्रेस पार्टी के तरफ से यूथ कांग्रेस के तरफ से ब्लड डोनेटिंग का आयोजन हम लोगों के द्वारा किया जाता है। साथ ही आज संकल्पित होते हैं हम लोग युवा साथी लोग जो समाज का जो स्वराज का जो सपना उन्होंने देखा था उस सपना को कांग्रेस पार्टी किस तरीके से साकार करेगी। सरफराज आलम, BTN न्यूज। हिंद पोस्ट मीडिया के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल मिथिला सम्मान से शिष्याश्री को सम्मान। मिथिला की प्रतिभा देश ही नहीं पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही और इस प्रतिभा में एक और नाम जुड़ गया है त्रिशा श्री का, जिनके लेखनी की तारीफ देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। ड्रीम ब्रिज सक्सेस नाम की यह पुस्तक त्रिशा श्री ने लिखी है और अपनी लेखनी के माध्यम से इन्होंने दुनिया के लोगों की सोच को सकारात्मक दिशा में बढ़ाने का सार्थक प्रयास किया है। नई दिल्ली में हिंद पोस्ट मीडिया के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनकी लेखनी को सम्मानित किया अटल मिथिला सम्मान से। मौके पर मौजूद थे विशिष्ट अतिथियों में सांसद प्रभात झा के अलावा मशहूर गायक उदित नारायण और अलका याग्निक जैसी हस्तियों ने त्रिशा के हुनर की खुलकर तारीफ की। वह फिलहाल मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। त्रिशा के इस लेखनी से उनके पिता डॉक्टर सुहास सिंह व मां सुचित्रा सुमन भी काफी हर्षित हैं। मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा गर्व की बात है और एक तो राजनाथ सिंह जी के हाथ से सम्मानित होना वैसे ही बहुत बड़ी बात है और दिल्ली में जिस तरीके से मिथिला की सफलता और संस्कृति को उत्सव की तरह मनाया जा रहा था ये देखकर बहुत अच्छा लगा और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात थी कि मुझे उसमें सम्मिलित होने का मौका मिला तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस बुक का नाम है और वो एक मोटिवेशनल बुक है जो हर उम्र के लोगों के लिए है कि किस तरीके से सपना देखना चाहिए और वो उस सपने को वो पूरा कर सकते हैं, उसकी कोई उम्र नहीं होती है और हर इंसान का हक है सपना देखने का और उसको पूरा करने का। अगली पीढ़ी की छोटी सी उपलब्धि भी जब सफलता से टकराता है और वो राष्ट्रीय सम्मान का रूप ले लेता है तो उसके पिता को कितनी खुशी होगी ये मेरे चेहरा और भाव से लग रहा होगा। जब अगली पीढ़ी आपको सुरक्षा ये लगे कि अब वो सुरक्षित है, अब वो दुनिया में जीने लायक है, दुनिया में सम्मान पाने लायक है तो एक फादर को इससे बड़ी खुशी जीवन में कोई औलाद क्या दे सकता है। ये हर माँ बाप के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि जब बच्चे कुछ करते हैं और अच्छा करते हैं और अपने समाज का नाम रोशन करते हैं। आज उसने मिथिला का नाम रोशन किया है और यहाँ की वो मिथिला की बेटी कहलाने लगी है अपने काम से और अपने नाम से तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। वाकई जब अगली पीढ़ी अपने नाम से अपने काम से और अपने जज्बा और अपने सपनों से मिथिला का नाम रोशन करे तो एक माता और पिता के लिए बड़े ही गौरव की बात है। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज।
तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। आपसी विवाद में दो पक्ष भिड़े, गोली चली, कई घायल, मामला जमीनी विवाद का। हाल बेहाल है भैलू चक से दाल मिल, सड़क का आधा निर्माण आधा बाकी, चलना भी हुआ दुभर। और भंगी समाज ने कहा, निगम शौचालय की बंदोबस्ती भंगियों के साथ करें, आज भी शौचालय सफाई का मुख्य पेशा भंगियों का ही। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।